हो गया है रेडी बहुत से लवाजमात के साथ, जिसमें मैंने सूजी डाली थी, चने डाले थे, चारे गूंदने डाले थे और फूल मखाने डाले थे, और बादाम ऑलरेडी पंजीरे में होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल और आउट क्लास बने हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं बबल्स किचन एट और मैं हूँ लाइबा हनीफ। आज हम बनाने लगे हैं बेसन का पंजीरा थोड़े से नए स्टाइल में, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा ताकतवर स्टाइल में, जिससे जाएगा जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द ठीक हो गया। मैं आपको दिखाते चलूँ हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये हमने 3 पाव बेसन लिया है, ठीक है, ये हमने 1 किलो बादाम लिए हैं, ठीक है, जो कि आपकी चॉइस है। इसमें सारा का सारा ड्राई फ्रूट डल सकता है, लेकिन ये आपकी चॉइस पर है। हम सिर्फ इसमें बादाम डालेंगे और वो मैंने लिए हैं 1 किलो, क्वान्टिटी भी आपकी चॉइस पर है, ठीक है। ये 3 पाव बेसन, ये 1 किलो बादाम, ये है गूंदर, ठीक है, आधा पाव है ये, ठीक है। ये फूल मखाने हैं, ये भी आधा पाव है, ठीक है। और ये है सूजी, ये 1 पाव है। और ये भुने हुए चने हैं जो कि 1 पाव है, ठीक है। मैंने इनका ये पाउडर फॉर्म करके रख लिया, ठीक है। ये आधा किलो चीनी है जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में करके रख लिया। अब यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 किलो देसी घी, ठीक है, लेकिन इसमें 2 किलो देसी घी पूरा यूज़ नहीं होगा, मैं आपको बताती चलूँ। 1 किलो देसी घी तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन हमने ये फूल मखाने और ये गूंदर और सूजी के लिए हमें जितना घी चाहिए होगा, हम 2 किलो घी में से 1 पाव घी निकालेंगे और इन 3 चीज़ों को हम पहले भूनेंगे, ठीक है। अब हम भूनना शुरू करते हैं। आपने ले लेना है इस तरह का फ्राई पैन, ठीक है। कढ़ाई में ये थोड़ा सा देसी घी डाल लिए, ये देखें, ये लगभग होगा, छोटा कप होता है वो आधा कप होगा, ठीक है। ये हमने डाल लिया है, अब हम इसमें फूल मखाने डालेंगे। ये हमारे सारे फूल मखाने इसके अंदर चले गए हैं, ठीक है, ये थोड़े से रह गए हैं। ये हमने आधा पाव फूल मखाने डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। हम इसको अब लो फ्लेम पे, ठीक है, हमने फ्लेम हाई नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, ठीक है। ये देखेंगे हम लो फ्लेम पे इसको भूनते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी गूंदे भी भूनेंगे और सूजी भी, ठीक है। हमने इसको फटाफट से हिलाए जाने, ये देखिए ये लाल हो रहे हैं, ठीक है, लो फ्लेम पे रखा हुआ हमने, बल्कि मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। जल्दी जल्दी से हमने इसको हिलाना है ताकि जले ना, ये लाल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने इसी तरह भुनाई करनी है, ये नहीं, जल्दी जल्दी से हिलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, ठीक है। ये हमारे फूल मखाने भुने गए हैं, ठीक है, हमने इसको लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भुना है, ठीक है। 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसको भुना, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारे, ये हमने फूल मखाने निकाल के साइड पर रख लिए हैं, ठीक है, ये हम यहाँ रख लेते हैं। और ये हमारे जो आधा पाव गूंदर थे, जिसको गूंदरे बोलते हैं, ये हमने 1 कप डाल लिए, ठीक है, 1 कप हमने देसी घी डाली है, उसके लिए हमने आधा कप डाला। अच्छा, तो व्यूवर्स हुआ कुछ यूँ था कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई कि ना मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा कैमरा अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता चला। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने जो गूंदरे डाली हैं वो भी नहीं रिकॉर्ड हो सकी, ठीक है, बस वो मिस हुआ है, बाकी सारा रिकॉर्ड हुआ है। ये आप देखिए, हमने गूंदरे डाल दी और मैंने 2 चम्मच देसी घी और डाल दिया था इसमें, ठीक हो गया। अब हम इसको भूनते जाएंगे और आप देखें इसकी शक्ल चेंज हो रही है, लाइक कोई पापड़ फॉर्म की बन रही है, ठीक है, क्रंची क्रंची सी वाइट कलर की ये बॉल्स बन रहे हैं। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, ये देखें जी, ये वाइट कलर के बॉल्स बने हैं, मार्बल शेल में था, ठीक है। अब हम इसको लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे तो ये इस तरह से सारे के सारे जब मार्बल शेप से बॉल्स में आ जाएंगे, तब तक हम इसको भूनेंगे, ठीक है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, मैं आपको बताऊं कि ना जब मैं सूजी भून रही हूँ ना, तो मैं कहूँगी कि इसकी ना वीडियो नहीं बन रही, मैं चारे गूंजरे की वीडियो नहीं बना सकी। तो ऐसा करना, आप उसको इग्नोर करना और बस पंजीरे पे फोकस करें, क्योंकि वीडियो बन गई थी, मुझे बाद में पता चला। ले जी, ये हमारी गूंदरे हो गई है रेडी, अब हम इसको कूट लेंगे। जी ये देखिए, थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, हम गूंदरे यहाँ पे सॉटे कर रहे थे, लेकिन चूंकि कैमरा ऑफ होने की वजह से वो सब रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये मैंने सूजी डाल दी है, जो मैंने 1 पाव सूजी आपको दिखाई थी वो मैंने थोड़े से घी में डाल दिया। आप लोग आधा कप घी ले लें, 1 कप घी ले लें, सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक हो गया। ये हम इसको लाल कर रहे हैं, अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, ये हो रही है। और यहाँ देखें, ये मेरी जो गूंदरें थी और ये जो फूल मखाने थे, ये सारे ये मैं इसमें कूट रही हूँ, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से दोनों चीज़ें कूट लेनी है, ये दोनों चीज़ें कूटी जा रही हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सूजी भी हम बाद में निकाल लेंगे और फिर हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अभी हम ये सिर्फ तीनों चीज़ें भून रहे थे। ठीक है, हमारी सूजी भुनी गई है, ये अच्छे से लाल हो गई है। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे हम स्टोव बंद कर देंगे। जैसा कि हमने बाकी दोनों चीज़ों को मीडियम पे किया था, इसको हमने लो पे किया क्योंकि ये सूजी है। ठीक हो गया, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी अच्छे से भुनी गई है। ठीक है, अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे क्योंकि मैंने ये गोंदरे और ये फूल मखाने पीस लेंगे। ठीक है, हमारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। ये मैंने यहाँ पे पतीला रख लिया, स्टोव फुल कर लिया। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो एक किलो हमारा घी है ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आपने देसी घी ही लेना है। ठीक है, ये हमारी सूजी हो गई जो हमने अभी भुनी थी, ये हमारी गोंदरे और फूल मखाने हो गए। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको कूटते हुए दिखाए थे। ठीक है, और ये हमारी एक पाव चने हो गए। ठीक है, भुने हुए चने हमने एक पाव इसको पाउडर करके रखा हुआ, वो हमारी चीनी होगी। ये हमारे तीन पाव बेसन हो गया और ये एक किलो बादाम हो गए। ठीक हो गया, अब हम बनाना शुरू करते हैं। जल्दी से हम इस पतीले में अपना ये घी डाल लेंगे, देसी घी एक किलो। ये हमारा, मैंने इसमें अपना ये एक किलो ये घी इसमें डाल दिया है। ठीक है, देसी घी, और ये मेल्ट हो गया। ठीक है, हमने फ्लेम लो रखी हुई थी। ये देखें जी, हमने लो सॉरी हमने फ्लेम हाई रखी हुई थी। ठीक है, हाई फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट कर लिया था, अब हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे। अब ये मेल्ट हो गया, अब ये लो हो जाएगी। ठीक हो गया, पंजीरा बनाने के लिए आपको सब्र तहम्मुल के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगाता है, मुकम्मल एक घंटे में ये पंजीरा तैयार होगा। ठीक हो गया, ये जो हमारा तीन पाव बेसन है ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह, और हमारी लो फ्लेम है। ठीक है, सर्दियों की शुरुआत है, बहुत ही टेस्टी है, लेकिन थोड़े सब्र के साथ बनेगी, बिल्कुल चटपट बनाने वाली चीज़ नहीं है ये। एक घंटा मुसलसल इसको लगेगा, इसकी बुनाई होती है 45 to 50 मिनट्स में। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छे से हम हिलाते जाएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको हिलाएंगे और ये मुकम्मल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, फिर हम इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए इसको भूनते रहेंगे। मेरे चैनल पे जाएं और चैनल पे जाके देखें, ये जो हमने गूंदरे डाले हैं और अभी डालने हैं, जो कि हमने अभी इनको सॉटे किया है, इसको सॉटे किया है, हमने सूजी को सॉटे किया है और ये फूल मखानों को सॉटे किया। इन तीन चीज़ों के अलावा भी मैंने उसमें पंजीरा डाला हुआ, आप जाके वो देखें अगर आपने ये चीज़ें नहीं डाली तो। ठीक हो गया, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक बारी पंजीरे की वो वाली वीडियो भी देख लेना, फिर आपको जौन सा मुनासिब लगे आप वो वाला बना लेना। ठीक हो गया, ये ज़्यादा चीज़ों वाला है, वो मैंने कम चीज़ों वाला बनाया। ठीक है, उसमें सूजी नहीं है, गूंदरे नहीं है और ये फूल मखाने नहीं है। ठीक है, इसको हम अच्छे से 5 मिनट के लिए हिलाते रहेंगे और फिर ये जो इसके अंदर फुटियाँ बन रही है ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी फुटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मुकम्मल प्योर सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसको लो फ्लेम पर, ये देखें जी, दम से थोड़ी सी ऊँची है फ्लेम। ठीक हो गया, थोड़ा सा ऊँचा कर लेते हैं, बिल्कुल ये दम वाली हो गई है। ये लें जी, हमने थोड़ी सी हाई कर लिया, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक हो गया, अब हम ये इसको हिलाते रहेंगे और आपने हाथ नहीं रोकना। ठीक है, ये नीचे लगने का ख़तरा होता है। ठीक है, इसमें देसी घी डला हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मुकम्मल देखेंगे तो ही समझ आएगी, नहीं देखेंगे कोई भी चीज़ छूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट बाद बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए भूनते रहना, मैं आपको बीच बीच में दिखा दूँगी। ठीक है, कि किस तरह से भुनाई होनी है। ठीक है, और ये आपने चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, साइडों से भी हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे फ्लेम हमारी, वैसे कि वैसी है, इसको तेज़ नहीं करना। ये देखें जी, ठीक हो गया, दम से थोड़ी सी ऊँची फ्लेम पर हमने 45 to 50 मिनट्स के लिए इसको भूनते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। ठीक है, ये देखिए जी, ये हमें 10 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए, ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको दिखाती जाऊंगी कि हम किस तरह से भून रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखिए जी, 45 to 50 मिनट्स हमें लगने हैं इसको भुनाई करने में। ठीक है, आप टाइम नोट कर लेना इसको भूनते हुए, और ये देखिए हमारी लो ही फ्लेम है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये 10 मिनट बाद ये देखें, ये टेक्स्चर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और कलर भी थोड़ा सा डार्क हो रहा है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा फर्क नुमाया हुआ है। 45 to 50 मिनट्स बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हो जाता है। ठीक है,
ये देखिए जी, हमें को ये 25 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से, अगर आपने इसकी फुल एक्सप्लेन वीडियो देखनी है कि हम इसकी बुनाई किस तरह से करते हैं बेसन की, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके पंजीरे की रेसिपी देख लें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक डाली हुई है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप अच्छे से देख सकें कि हमने उसकी बुनाई किस तरह से की थी। उसमें मैंने डिटेल के साथ सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपको 40 से 45 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो गया, ठीक है। ये देखिए जी, ये हो गए हैं हमें 45 मिनट्स और ये 45 मिनट्स में रेडी हो गया। आप इसका टेक्सचर देखें और इसका कलर देखें, इसका कलर भी डार्क हो गया, ठीक हो गया। ये हमें 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें ये सूजी डालेंगे, ठीक है। ये जो हमने अपनी एक पाव सूजी सॉटे करके रखी हुई थी, अब हम ये इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया। और हम बाद में इसमें बादाम भी डाल देंगे। देखें जी, ये हमने सूजी इसमें डाल दी है सारी, और ये हम अपने 1 किलो बादाम भी इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। हमने आंच वैसे ही रखी हुई है, लो फ्लेम पे रखा हुआ है, और लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट तक बुनाई करेंगे इन दोनों चीज़ों की, ठीक है। स्टील इसकी बुनाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट होने वाले हैं, उसके बाद हम इसमें अपने चने डाल देंगे। ये वाले चने हमने इसमें डालने हैं। ये 1 पाव चने हैं और इसका पाउडर फॉर्म था, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें अपने चने डालेंगे। ये देखिए जी, ये हमने इसमें अपने चने डाल लिए और अब हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। ये हमने चने हिलाने के बाद अच्छे से इसमें ये फुल मखाने और गूंदरे भी डाल दिए, ठीक हो गया। इसको अब हम हिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना चूल्हा बंद करेंगे और इसको यहाँ पे हिलाते हैं, और इसके बाद हम डाल देंगे चीनी, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बताई हुई है, अगर आपने देखनी है इनके बजाय तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये इसको इस तरह से हिलाएंगे और अब हम साथ ही इसमें चीनी डाल देंगे। ये देखें, ये हमारी चीनी है, मैंने 1/2 किलो चीनी लिया है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, ठीक है। ये नहीं जी, ये यहाँ पे मैंने 1/2 कप रख ली है, ठीक है। ये हम बाद में टेस्ट करके फिर डालेंगे, अगर चीनी पूरी हुई तो हम इसको नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। ये इसको इस तरह से हिलाएंगे हम। ये देखें, इसको हमने इस तरह से हिलाना है, यहाँ से स्पून पकड़ना है और इस तरह से आके स्पून को उल्टा कर देना है, ठीक हो गया। ये हमने अच्छे से हिलाना है, चीनी का कोई भी ज़रा ना रहे, ना ही कोई वाइट वाइट से लम्स नज़र आए, ठीक हो गया। देखिए जी, हमने अच्छे से हिला लिए, लेकिन इसमें अभी चीनी और डालनी है, थोड़ा सा फीका। ये जो हमने सारी चीनी रखी हुई थी, ये हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये प्लेट साफ़ कर लेंगे, हमने पूरी 1/2 किलो चीनी इसमें डाली है, ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बताई। ये देखें, कुछ इस तरह से इसको हिलाना है ताकि इसमें चीनी ना रहे, सारे अच्छे से हिल जाए, हर तरफ से चीनी हिल जाए। इसमें ये वाइट वाइट लम्स ना रहे और अच्छे से चीनी हिल जाएगी, तो हमारा पंजीरा है रेडी। देखिए जी, ये हमारा पंजीरा रेडी हो गया, इसके अंदर चीनी अच्छे से घुल मिल गई है, ठीक हो गया। अब हम इसको ऐसे कर देंगे और अब हम 2 पराते निकालेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डाल लेंगे, ठीक है। ये अब हम अपना मिक्सचर ये 2 परातों में डाल लेंगे। आपने 2 साफ़ पराते लेनी है और एक एक जैसा मिक्सचर इसमें डाल देना, ठीक है, बैलेंस करके। देखिए जी, ये हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे, उसमें हम डाल चुके हैं एक में, ये हम दूसरी में डाले हैं। हम स्पैचुला से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। हमने 2 परातों में डाल लिए, ये देखें। अब हम इसको हल्का सा इस तरह से करेंगे, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये लें जी, ये बैलेंस हो गया। आप 2 घंटे इसको रेस्ट पे रख देंगे और फिर जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। 2 घंटे बाद इसको देखते हैं, अभी हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। ये देखें जी, ये हमारा जो पंजीरा है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, लुक, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ गए। इसको 2 घंटे नहीं लगे, बल्कि 3 से 4 घंटे आसानी से लग गए हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में आने के लिए आपको जितना टाइम लगे आप उतना लगा लीजिएगा, बल्कि काफ़ी देर के बाद ही ये सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक हो गया। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है, ठीक है। उससे पहले हमने काटने से पहले ये करना है कि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये नहीं जी, ये यहाँ पे चूल्हा चल रहा है और आपने चूल्हे के ऊपर इसको डायरेक्ट रख देना है, सिर्फ चंद सेकेंड्स के लिए, ठीक है। पूरे 1 मिनट के लिए भी नहीं, नीचे से मेल्ट हो जाएगा या फिर लग जाएगा,
ठीक हो गया। आपने बस परात को गर्म करना है, वो भी इसलिए ताकि जब हम इसे काटें तो क्यूब फॉर्म में फ़ौरन से बाहर निकल आए। ठीक है, हमने ना कोई नीचे बटर पेपर लगाया ना कुछ लगाया, इसकी वजह से डायरेक्ट इसमें रखा हुआ, जिसकी वजह से इसको हीटअप करना ज़रूरी था। ठीक है, ये नीचे से हीटअप होगी अच्छे से। ठीक है, हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको वहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, ये गर्म भी होगी नीचे से। बिस्मिल्लाह, मैं इसको वहाँ पे रखती हूँ, अभी यहाँ से गर्म है। ठीक है, देखें जी, हमने इसको नीचे से गर्म कर लिया और अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। काटने से पहले ये देखिए, ये वाली नाइफ पकड़ ली है मैंने। ठीक है, इसको हम पहले निशान लगा देंगे कि हमने किस तरह से काटना है। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिए। बिस्मिल्लाह, पहले निशान लगा। ये देखें, ये हमारे क्यूब फॉर्म में हो गए। अब हम इसको नीचे तक काटेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लाइंस लगाई थी। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये हमने अपनी ही लाइन के ऊपर रखा और ये इस तरह से दूसरे हाथ की मदद से जोर लगा दिया। ठीक है, ये देखें, ये लाइन कट गई है, वो भी नीचे तक। ये जो आपकी टिप है नाइफ़ की, ये नीचे तक जानी चाहिए। ठीक है, ये परात को लगनी चाहिए, तभी ये सारा कटेगा और आसानी से निकल सकेगा। और जब आपने परात गर्म की है, उसके फ़ौरन बाद आपने काट लेना है। परात ठंडी हो गई तो ये क्यूब्स का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, हमने क्यूब्स फॉर्म में काट लिए। देखें, ये बाहर भी निकल रहा है इसलिए ताकि, क्योंकि हमने इसको नीचे से गर्म किया हुआ था। ठीक है, अब हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालना शुरू करते हैं। आपने इस तरह से नाइफ रखनी है नीचे की तरफ और ये निकल गया। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे नाइफ़ रखनी है आपने और ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये देखें जी, ये उठ रहा है, मतलब कि ये इजीली निकल जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें जी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये 3 क्यूब निकल आया। ये ले जी, ये देखें जी, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना। अब हम इसको सारे को एक एक करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरी परात को भी इसी तरह बिल्कुल काट लेंगे, फिर मैं आपको काट कर इसको दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी परात का भी काट लिया और इसमें जितना चूर पूर था ये सब एक परात में कर लिया। और अब यहाँ मैं ये वाला बॉक्स लूँगी। ठीक है, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, मैंने ये वाला बॉक्स लिया। इसके अंदर सारा कन्वर्ट करूँगी और 30 सेकंड्स के लिए ओवन लगा दूँगी इसे। ठीक है, हम इसको ओवन लगाते हैं और ये देखें, ये बाकी का पंजीरा मैंने इस बॉक्स में स्टोर करके रख लिया। ठीक हो गया, ये लें जी, हम इसे 30 सेकंड्स का ओवन लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये ओवन हो रहा है। ये देखिए जी, हमने 30 सेकंड्स लगा लिए। ठीक हो गया, ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया। अब हम स्पून की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे और ये वापस से मेल्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये लें जी, ये लें, ये देखें, इसको आप टैप टैप करेंगे ये एक जैसा हो जाएगा। ये लें, ये हमने इसे टैप टैप किया और ये एक जैसा हो गया। अब हमने इसको रख देना और बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर करना है कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपने इसको काट लेना क्यूब्स फॉर्म में। ठीक हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं, रेस्ट पे रख देते हैं 4 to 5 hours के लिए। ठीक है, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा और इसको हम क्यूब फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, देखिए जी, मेरा बेसन का पंजीरा हो गया है रेडी, बहुत ही कमाल और आउटक्लास बना और इसके क्यूब्स भी बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत से लवाजमात के साथ, जिसमें हमने डाली थी सूजी, चने, चारे गूंदरे और फूल मखाने। ठीक है, और बादाम ऑलरेडी इसमें होते ही हैं, बहुत ही कमाल बना, आउटक्लास बना। और हाँ, अगर आप मेरे पेज पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई हो तो। ठीक है, फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। आप देख सकते हैं हमारा बेसन का पंजीरा हो गया है रेडी, बहुत से लवाजमात के साथ, जिसमें मैंने सूजी डाली थी, चने डाले थे, चारे गूंदने डाले थे और फूल मखाने डाले थे, और बादाम ऑलरेडी पंजीरे में होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल और आउटक्लास बना है। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर से आएंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।